आपके सर पर है। मैंने आपको पीछे हदीस सुनाई, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदा आया, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दस्त हूं। करीम आका जी ने क्या कहा? निकाह कर ले। एक तंग दस्ती, दूसरा हुजूर क्या कह रहे हैं? निकाह कर ले। इसका मतलब है निकाह से तंग दस्तियां नहीं आती, तंग दस्ती दूर हो जाती है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलीशान, अन निकाह सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फकत रागिबा अन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो बंदा मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो हम में से नहीं है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह सुन्नती फमन अहब फितरती फाई यस्तहसनु यस्तनु बिसुन्नती। निकाह मेरी सुन्नत है तो जो शख्स मेरी फितरत यानी इस्लाम से मोहब्बत करता है वो मेरी सुन्नत को अपनाए। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की हदीस बात, तनाकहु तकसुरु फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा हत्ता बिसक़ति। निकाह करो भाई, औलादें पैदा करो, कल क़यामत वाले दिन मैं सारे नबियों की उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा है, मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा है। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुल बा फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज वमन ला फलयसुम फइन्न सौम लहू वजाउन। तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है निकाह किया करे, निकाह की वजह से निगाहें नीची रहेंगी, शर्मगाहों की हिफाजत रहेगी। जो निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, उसका नफ्स ठंडा हो जाए, रोज़े रखो। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ताकुम मन तरदौन दीनहु व अमानतहु फज़व्वजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर। तुम्हारे पास वो लोग आए रिश्ता लेके जो ईमानदार भी हों, दीनदार भी हों, अखलाक के अच्छे हों, बेटी का रिश्ता मांगे, इनकार नहीं करना, उनसे निकाह करवा दो। अगर नहीं करवाओगे तो ज़मीन पर बड़ा ज़बरदस्त फसाद पैदा हो जाएगा। मैं आपको अभी कल की बात बताता हूँ, अच्छी भली उम्र का 45-48 साल उम्र होगी, जवान आदमी मेरे पास आया, नाम नहीं मैं जाहिर करता, पर्दा रह जाए, लेकिन मैं ये हदीसे पाक के ज़िमन में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो करीम ने आका जी ने फरमाया फसाद उन कबीर फसाद पैदा हो जाएगा। वो कहता है, जी मुझे अपने एक कुलीग से प्यार हो गया, मैं उनके घर गया हूँ, मैं नमाजी आदमी भी हूँ, कमाने वाला आदमी भी हूँ, मेरा घर बार भी है, लेकिन उनके घर वाले रिश्ता नहीं कर रहे। अब हमने क्या फैसला किया, मैं लड़की इधर दौड़ा के लाऊंगा, आप मेरा यहाँ पे निकाह कराओ। अब ये जितने भी केस हो रहे दिन में एक दफा हाई कोर्ट का चक्कर लगा के या जिसका ताल्लुक है पता कर लेना कितनी दौड़ के वहां पे निकाह करने के लिए आ रही है। अब जारी बात है, हम तो ऐसा पंगा नहीं लेंगे ना, या कुड़ी वाले ने सानू ठोक देना या मुंडे वाले ने ठोक देना, कोई ना कोई आना उन्हें आगने मौलवी तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी जरूरत तू निकाह पढ़ाता साड़ी कुड़ी का है नी, उन्हें सानू लम्या पा देना, असी तो भाई ऐसा पंगा नहीं लेना। तो फिर कौम क्या करती है, दौड़ के निकाह करती है, हजारों निकाह रोजाना की बेस पर हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज के नाम पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मेरे नबी ने पहले बता दिया था फसाद उन कबीर, बहुत बड़ा पंगा पड़ जाएगा, फसाद हो जाएगा, फितना हो जाएगा। लड़का अच्छा है, अखलाक का अच्छा है, दीनदार आदमी, निकाह करो यार, क्यों नहीं करते? किसी ने तुम्हें रोक के रखा? बच्चियां जवान हो गई, अभी पढ़ रही है जी, पढ़ रही है, मुंडा अली पढ़ रहा है जी, पढ़ रहा है, जवानी उनकी खराब हो गई, बर्बाद हो गई जवानियां उनकी, और पढ़ते रहेंगे। हमने, मैं खुद 18 साल की उम्र में मेरा निकाह हो गया, आज मेरी 41 साल उम्र है, 20 साल का मुंडा मेरे कोल है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे, मैंने पढ़ाई भी मुकम्मल किया, हम पढ़ते भी रहे, सारा कुछ करते रहे, निकाह भी हुआ, पढ़ते भी रहे, आज औलाद मेरे जिन्नी है। ओए लते बंदे, निकाह करो, जवान हो गए निकाह करो, वरना ऐसी गंदी और ऐसी गंदे बयानात हमारे सामने आएंगे, निकाह करने की ज़रूरत ही कोई, एग्रीमेंट करने ज़रूरत ही को नहीं। ओ बाहया मुआशरा कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा। हर मुआशरे के अंदर एक मजहबी रस्म है,
हर नबी की उम्मत में निकाह का एक मकाम है। ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल डिनाई करना चाहिए, टोटली डिनाई करना, बयान को शेयर ही नहीं करना चाहिए। हमारी कौम भी जो है ना, जो ऐसी उल्टी सीधी बात हो, शेर पे शेर, शेर पे शेर, शेर पे शेर, वो गंदी बात फैलती 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 फैलती, 50 लोग उसको डिनाई करते, 10 लोग कहते नहीं ऐसे ही होना चाहिए। करीम आकर अली सलात वसलाम के खिलाफ 60,000 किताबें लिखी गई। किसी को पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी मुसलमान ने उसको शेयर नहीं किया, वो अपनी मौत खुद ही मर गए। एक बंदे ने गुस्ताखी की, सारे जमाने में फैल गई। क्यों? शेर पे शेर होती चली गई। शेर करो, अच्छी बात करो, नबी का फरमान करो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। पानी ले आया यार।